सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उपचुनावों की। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं वो सीटें हैं अमरोहा की नौगांव सादात सीट, बुलंदशहर फिरोजाबाद की टुंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया और जौनपुर की मलैनी सीट। आज से 16 अक्टूबर तक इन सीटों पर नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके मायने यह हैं कि 16 अक्टूबर तक इन 7 सीटों पर आम जनता के सामने वो उम्मीदवारों के चेहरे भी सामने आ जाएंगे जो इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम अपना वापस ले सकते हैं। सभी सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को कराई जाएगी, उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से जारी कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक होंगी। इसका मतलब यह भी समझ लीजिए कि कोविड-19 गाइडलाइंस के मुताबिक जो प्रक्रिया है वो बदल गई है। अब क्यों हो रहा है उपचुनाव इन 7 सीटों पर, यह भी आप जान लीजिए। उन्नाव की बांगरमऊ सीट की बात करें, कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द हो गई थी। जौनपुर की मलैनी सीट की बात करें, एसपी के पारसनाथ यादव के निधन के कारण यह सीट खाली हुई। देवरिया सदर सीट बीजेपी के जन्मजय सिंह के निधन के बाद खाली हुई। बुलंदशहर सीट बीजेपी के वीरेंद्र सिरोही के निधन के बाद खाली हुई। कानपुर की घाटमपुर सीट बीजेपी की कमल रानी के निधन के बाद खाली हुई। अमरोहा की नौगांव सादात सीट की बात करें तो बीजेपी के चेतन चौहान के निधन के बाद खाली हुई। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, किन किन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। टुंडला, बुलंदशहर, अमरोहा की बात करें तो तीव्र सीट पर चुनाव होने हैं। घाटमपुर कानपुर नगर की सीट है ये, और चुनौती हर पार्टी के लिए है। उन्नाव की बांगरमऊ पर भी चुनाव होने हैं। जौनपुर की मलैनी विधानसभा में भी उपचुनाव होने हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से हमने पूरी आपको जानकारी दी किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या वजह रही कि इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 16 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी 16 अक्टूबर तक आपको ये मालूम चल जाएगा इन सीटों पर आपके क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। उपचुनाव से जुड़ी अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। आज नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, 16 अक्टूबर तक ये नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी।